नाज़रीन आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग के मढ़ामा इलाके में। आपको मैं बताते चलूं, यहां के लोग आज PMGSY के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये एहतजाज पे क्यों है। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो एक रोड मैगनमाइज किया गया, इसका 1 किलोमीटर जो है कंट्रैक्टर ने अधूरा छोड़ा है, और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? जनाब शौकत अहमद भट्ट। क्या मसला है आप लोगों का? मसला यही है कि रोड ख़राब है। एक घर वाले ने यहाँ सिटी लाई है कम से कम 20 फुट को, 20 फुट के लिए ठेकेदार ने कम से कम 1.25 किलोमीटर छोड़ा है। हमने ठेकेदार साहब को ये भी कहा था आप ये 20 फुट उधर ही रखो, मगर ये बराबर करो। उस घर वाले ने इसको सिटी क्यों लाई है? उसका कितना ज़मीन इसमें जा रहा है? 10-20 फुट जा रहा है, उसको पैसे नहीं मिले इसलिए उसने सिटी लाई है। जी यो, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, अगर हम बाइक की बात करेंगे तो आए रोज़ वादी कश्मीर में एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगा आपको? हम इधर ही रहते हैं कम से कम रात को उधर तक, आप ज़रा कैमरा उधर दिखाइए, उधर तक क्लियर रोड है जिस पर स्पीड होती है कम से कम 70 to 80। उधर से जब बाइक आती है इधर पर ब्रेक मारती है तो ज़रूर एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम 2-3-4-5 एक्सीडेंट हर रोज़ होते हैं। इन लोगों का यही कहना है कि ये जो आधा किलोमीटर अधूरा छोड़ा गया है, जब वहाँ से बाइक आती हैं सुपीड से तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और ये लोग यही चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है वो PMGSY R&B डिपार्टमेंट से बात करे और लोगों के मुश्किलात जो है उनका हल निकाले और इस रोड को जो है मैगनमाइज किया जाए। मैं शाहिद हसन ग्रोइंग कश्मीर के लिए मढ़ामा बिजबिहारा से। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।